आईएमए बरेली द्वारा निकाय चुनाव के लिए वोट बनवाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। जानकारी देते हुए डॉक्टर विनोद पागरानी ने बताया कि उनके द्वारा जिले के सभी डॉक्टर्स के साथ मिलकर वोटरों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें हॉस्पिटल पहुंच रहे मरीज व उनके तीमारदारों को वोट बनवाने को लेकर जागरूक किया जाएगा। हमने लिखा है 1 से 7 नवंबर तक, मुझे नीचे लिखा है 4 नवंबर। ऑनलाइन 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 चार है वैसे। हाँ नहीं ठीक है, 4 नवंबर तक आपका ऑनलाइन भी है। देखो ये आएंगे कल से और 7 नवंबर तक क्या मुहिम चलेगी आप लोगों की आईएमए की तरफ से वोटरों को जागरूक करने के लिए, उनको वोट बनवाने के लिए? देखिए आईएमए कम्युनिटी सर्विस के जरिए समाज हित के कार्य लगातार करता रहता है, और इस बार आईएमए ने ये सोचा है कि जो अपना इस समय निकाय चुनाव प्रस्तावित है, वो निकाय चुनाव के संबंधित जो मतदाता की सूची बन रही हैं, ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि मतदान सूची निकाय चुनाव की विधानसभा की अलग अलग होती है। तो जिन लोगों के पहले पहले वोट बने हैं विधानसभा में, उन लोगों ने हो सकता है ये सोचा हो कि शायद मेरा तो वोट बन चुका है, तो वो अपना निकाय का वोट ना बनवाए, जबकि निकाय की सूची अलग है तो उसे वोट अपना दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो ये जानकारी जन जन तक पहुँचे कि ये लिस्टें अलग अलग होती हैं। 31 तारीख को निर्वाचन उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने जो सूची प्रकाशित करी है आज 31 अक्टूबर को, उस सूची में फेरबदल अभी संभव है। 1 तारीख से 7 तारीख तक का ये समय सीमा तय की गई है। इस समय सीमा में कोई अपना नाम जुड़वा भी सकता है, किसी के नाम में त्रुटि है या कोई नाम गलत है तो वो हटाया भी जा सकता है। इसी को जागरूकता बताने के लिए, फैलाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। ऑनलाइन भी इसको किया जा सकता है, 1 तारीख से 4 तारीख तक ऑनलाइन भी आप, एक लिंक हमने दिया है जो निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया, उस लिंक पर जाकर वो आप अपना नाम ऑनलाइन भी अपना ऐड कर सकते हैं, हटवा सकते हैं। बरेली के डॉक्टर्स हॉस्पिटल किस तरह से लोगों को जागरूक करें? देखिए ऐसा है कि हर अस्पताल में मरीज जाता है, मरीज के तीमारदार जाते हैं, भर्ती मरीज होते हैं, तो हर अस्पताल में 500, 1000, 2000 संख्या के हिसाब से लोग का आवागमन होता है। वेटिंग एरियाज में अगर हम बैनर लगा देते हैं और पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये बात आम जन तक पहुँचेगी। डॉक्टर जब मरीज को देखते देखते बात होता है, मैं बता सकता है कि आपने अपना वोट बनवाया नहीं बनवाया। तो ये जागरूकता, जब हम मरीज़ से कन्वर्सेशन करते हैं तो ऐसा नहीं खाली मरीज देखते हैं, मरीज़ से क्योंकि एक होता है ना, एक जुड़ाव हो जाता है मरीज़ से इलाज करते हुए। आप उसके घर की बात भी पूछ लेते हो, घर में सब ठीक है नहीं ठीक है, किसी की शादी ब्याह के पूछ लेते हो। तो इस तरीके से हम अगर डॉक्टर कहने का प्रभाव भी होता है, डॉक्टर अगर प्यार से कह देता भी आपने वोट जरूर बनवा लो, तो वो उसके मस्तिष्क में ज़्यादा असर करता है। अगर कोई आम का है उसके अलावा, डॉक्टर का लोग ज़्यादा लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसी लिए हमने ये जागरूकता अभियान शुरू करा है। डॉक्टर गौरव जो हमारे सचिव हैं वो आगे बताएंगे इस सिलसिले में। जो हॉस्पिटलों में मरीज आएंगे तीमारदार, उनके साथ में उनको जागरूक करने, किस तरह से जागरूक करेंगे आप लोग? नहीं देखिए, सबसे पहले तो बैनर्स के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू, और उनके नंबर भी, मोबाइल नंबर भी हम लोगों के पास रजिस्टर में होते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज एंड फेसबुक के थ्रू भी हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि लोग अपना वोट बनवाएं। अब मैं लिटरली मैं बताऊँ, मुझे भी नहीं पता था, आज ही डॉक्टर साहब से बात हुई तो मुझे पता लगा कि 2 लिस्ट अलग होती हैं। वो बात दूसरी कि मुझे, मेरा नाम दोनों में था तो मैंने पिछली बार वोट दिया था, पर जब ये मुझे पता लगा कि ये दोनों लिस्ट ही अलग होती हैं तो मैं भी एकदम से चौंक गया। तो मैंने कहा फिर तो ये लोगों को बताने की विषय है ये, कि लोगों को पता होना चाहिए कि लिस्ट अलग होती हैं, वो अपना नाम ऐड करवाएँ।